नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाथनगर में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राजद की ओर से 25 फरवरी को विशाल आम सभा तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री ने की बैठक। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर स्वामी आगमानंद जी महाराज ने दिया बयान, कहा भारत पूर्व से ही है हिंदू राष्ट्र, यह शाश्वत सत्य। महाशिवरात्रि को लेकर निकाली गई झांकी, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। और आपदा प्रबंधन की ओर से 12 दिवसीय ट्रेनिंग की होगी शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौवाकोली अम्बेडकर चौक के समीप एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पहचान शंभू यादव के 25 वर्षीय पुत्र अमर कुमार यादव के रूप में हुई है। मृतक अमर कुमार के भाई सौरभ कुमार ने बताया कि उसके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इंटर की परीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए BN कॉलेज में नामांकन कराया था। बताया जा रहा है कि अमर प्रत्येक दिन की तरह ट्यूशन पढ़कर देर रात्रि मोटरसाइकिल से वापस घर आया और महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव की बारात में शामिल होने गया था, जिसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। जबकि गांव वालों ने सुबह उसके शव को देखने के बाद शोर मचाया, जबकि अमर की संदेहास्पद तरीके से हत्या को देखते हुए इसकी सूचना मधुसूदनपुर थाना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। सौरभ ने बताया कि उसके पिता सरकारी सेवा में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और उन लोगों को इस तरह की घटना की कोई भनक भी नहीं थी। बाराती के लिए निकला, उसके बाद घर ही नहीं लौटा। सुबह जब खोजने लगे तो यहाँ क्या चीज से निकला था? घर से पैदल ही निकला था। क्या नाम है इसका? अमर कुमार। ये कौन है आपका भाई? है किससे इसका दुश्मनी था, ऐसा हो गया घटना? किसी से बात भी नहीं करता था, नॉर्मल लड़का था, पूरा नॉर्मल था, पढ़ाई नॉर्मल। इधर ही दिया है इंटर का एग्जाम। इंटर का एग्जाम दिया। किस पे, किसी पे कुछ शक है आपको? हम क्या बोले, पूरा गली जानता है, किसी से कोई मतलब नहीं, सभी से रिस्पेक्ट से ही बात करता था, आराम से जाता था। कितने बजे रात में घर से निकला? 8 बजे रात में घर में गाड़ी लगाया, उसके बाद निकला शिवजी के बारात में, शायद उसी में निकला होगा, कल उसी का बारात था। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आगामी 25 फरवरी को होने वाले विशाल आम सभा की तैयारी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव एवं युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने संयुक्त रूप से भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने वाले विशाल आम सभा की तैयारी की जानकारी देते हुए राजद नेता जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली जन विरोधी सरकार के खिलाफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की अगुवाई में महागठबंधन परिवार द्वारा विशाल आम सभा पूर्णिया में की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा के जन विरोधी, धर्म विरोधी, देश विरोधी और पूंजीपतियों को संरक्षण देने वाली सरकार को खाड़ फेंकने का संकल्प विशाल आम सभा में लिया जाएगा, जो ऐतिहासिक भी होगा। वहीं युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान में भाजपा सरकार की गलत नीति और झूठे वादों की पोल खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, जबकि आज महंगाई बेलगाम हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन समेत कई राजद सहित महागठबंधन परिवार के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कि हत्या करने का काम किया जा रहा है, संविधान को छत बिछत करने का काम किया जा रहा है, जो हमारा संघीय ढांचा है उसको जो है बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, और जो है जो संघीय ढांचा को बर्बाद करके देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए आज के तारीख में जो हमारा महारैली है रंगभूमि मैदान में, वह रैली साबित करेगा कि रंगभूमि मैदान वह सीमांचल का ही नहीं बल्कि जो है देश का एक ऐसा रैला साबित होगा कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, उसको जो है हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो सबसे मुख्य बातें हैं,
वो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में और संवैधानिक व्यवस्था जो पूरी तरह से ये भाजपा के द्वारा चौपट करने की साजिश की जा रही है, इस देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर यह रैली का आयोजन किया गया है। जो हमारा सातों पार्टियां हैं महागठबंधन की, उसके सारे लीडर उसमें शिरकत लेने का काम करेंगे और पूरी विस्तार से इस बात को बताने का प्रयास किया जाएगा। नवगछिया शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और यह शाश्वत सत्य है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने कहा कि भारत राष्ट्र तो हिंदुत्व राष्ट्र से आदिकाल से जुड़ा हुआ है और सभी ने इसको पहले से ही आदर दिया हुआ है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जैसे महाराज विभीषण लंका से जब भगवान श्री राम के पास आए तो उनके साथ सभी ने उनका आदर सम्मान किया, जबकि भारत के शरण में आने वाले को उचित आदर और सम्मान मिलता रहा है, जो सनातन हिंदू धर्म की ताकत है और यहाँ सारे धर्मों का संरक्षण भी होता है। रामचरितमानस के विवाद को लेकर स्वामी आत्मानंद जी ने कहा कि साधुओं की भाषा समझने के लिए साधुता होनी चाहिए, जबकि कबीरदास के उल्टे पानी बरसे कंबल भीगे पानी, अगर इसका लोग इसके साधारण अर्थ लगाएंगे तो कंबल कहाँ से बरसेगा, पानी कैसे भीगेंगे। साथ ही शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर ने कहा कि आजकल प्राय अराजनीति से जुड़े लोग धर्म शास्त्रों का अनर्थ लगाने लगे हैं और बिना सत्संग भजन और आध्यात्मिक जानकारी के ही संतों के वाणियों के अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं, जो उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भी 90% उन्हीं संतों की वाणियों का आश्रय लिया गया है जिस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि इन ग्रंथों को बैन करने वालों के साथ भारत की भी दुर्दशा होगी। आज भारत के संविधान में भी 90% उन्हीं संतों की वाणियों का आश्रय लिया गया है। जितना बैन होगा भारत की दुर्दशा होगी और इसको बैन करने वाले की भी दुर्दशा होगी। जिन्होंने संतों का सदग्रंथों का अपमान किया है उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है या हिंदू राष्ट्र बनेगा? बनना क्या है ये भगवान पर साधु संत लोग छोड़ते हैं। अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए प्रयास सबको करते रहना चाहिए। किस देश में सबका मान सम्मान रक्षण प्रतिरक्षण होता है और होता रहेगा। भागलपुर सुल्तानगंज में महाशिवरात्रि को लेकर भव्य झांकी निकाली गई, जिसकी अगुवाई भागलपुर विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह पर पुलिस टीम की तैनाती की गई थी, जिसमें ग्राम रक्षा दल के पुलिस मित्र भी शामिल रहे। वहीं महाशिवरात्रि के दौरान निकाली गई इस शोभा यात्रा में कुल 60 झांकियां शामिल रही, जिसमें 7 चलन झांकी, 45 घोड़े, 25 बैलगाड़ी के अलावा कई DJ और गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, सभापति राजकुमार, सुबोध कुमार यादव, संजय कुमार मंडल समेत भारी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। एक्स्ट्रा डेपुटेशन हो चुका है यहाँ पे, सिविल ड्रेस में सब लोग घूम रहे हैं पुलिस वाले, और CCTV के जद में हर एक कोना कोना है सुल्तानगंज का। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 12 दिवसीय ट्रेनिंग की शुरुआत सोमवार को पटना में होगी। 3 मार्च तक चलने वाली आपदा की ट्रेनिंग को लेकर भागलपुर से 200 लोगों की टीम रविवार को पटना के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग लेने के बाद आपदा मित्र प्रत्येक प्रखंड में जाकर ग्रामीणों को आपदा से निपटने के तरीके बताएंगे, जिससे बाढ़, भूकंप और आग लगने पर लोग आपदा की स्थिति में अपना बचाव कर सके। इसको लेकर आपदा प्रबंधन शाखा प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि जिले से 500 लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाना है, जिसके तहत फिलहाल 200 लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 दिनों की ट्रेनिंग लेकर पटना से जब आपदा मित्र वापस आएंगे तो इन्हें अलग अलग प्रखंड में भेजा जाएगा, जिससे आम लोगों को आपदा के समय बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक वॉलंटियर्स हैं, उनको आपदा मित्र कह सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। 12 दिन की ट्रेनिंग है, 20 तारीख से लेके 20 फरवरी से लेके 3 मार्च तक। तो उन उस ट्रेनिंग में इनको विभिन्न प्रकार के आपदाओं में ट्रेनिंग दिया जाएगा और ये लोग मास्टर ट्रेनर से काम करेंगे। जब ये लोग वापस आएंगे तो ये लोग अपने अपने अंचल, अपने अपने पंचायत गांव में जाएंगे, तो वहां के लोगों को आपदा के प्रति जागरूकता ये लोग फैलाएंगे।
भागलपुर में उर्दू समन्वय समिति की विशेष बैठक इस्लामनगर में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिद रजा जमाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर शाहिद रजा जमाल ने कहा कि सभी लोग सरकारी प्रोत्साहनों पर निर्भर हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उर्दू के प्रचार प्रसार में दर्जनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर हमें स्वयं ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर शाहिद रजमी ने पेश करदा प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू करने पर जोर दिया जाए। बैठक की शुरुआत समिति के सचिव डॉक्टर हबीब मुर्शिद ने करते हुए पिछली गतिविधियों का विवरण पेश कर दिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन और कचहरी चौक पर स्वागत वोट लगाने की बात कही। इसके अलावा समन्वय समिति में प्रस्ताव पेश करते हुए पूर्व बैंक मैनेजर जाकिर हुसैन ने कहा कि कमेटी की बैठक में गैर मुस्लिम भाइयों को भी शामिल कर उनकी भी सहायता ली जानी चाहिए। इसके अलावा सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखते हुए उर्दू के विकास की बात कही। मौके पर एहसानुल हक आजमी, मोहम्मद सिद्दीकी, जाकिर हुसैन, मंजर आलम समेत कई लोग मौजूद थे। का एक तरह से विस्तार है, उसका एक लामतनाही सिलसिला है और हम उसको आगे तक ले जाना चाहते हैं कि जब हम कुछ बैठेंगे तो जाहिर है कि कुछ पाकर ही वहाँ से उठेंगे। तो आदमी जब बैठता है, जब गुफ्तगू करता है, जब मजलिसी आदाब के तहत अपनी बातों को एक दूसरे तक तरसील करता है तो कुछ ना कुछ कश्फ फैज़ करता है, कुछ हासिल करता है। और लिहाजा आज भी इसके हम देखते हैं कि बहुत सारे तजावीज़ और तरजीहात सामने आए और बड़ी खुशायंद। भागलपुर के कस्माबाद गांव स्थित मकेश्वर नाथ प्रांगण में महाशिवरात्रि को लेकर 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दंगल प्रतियोगिता का उद्घाटन बैकटपुर दुधैला पंचायत के मुखिया अरविंद मंडल और विधायक प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान मुखिया अरविंद कुमार ने बताया कि पहली बार आयोजित किए गए दंगल प्रतियोगिता में भागलपुर और मुंगेर जिला के पहलवान पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को नगद राशि और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मौके पर जवाहरलाल मंडल, समाजसेवी देवानंद कुमार, शिक्षक लाल मंडल, वार्ड पार्षद विपिन कुमार समेत विभिन्न जगहों से पहुंचे पहलवान और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। हजरत हबीब शाह रहमतुल्लाह अलैह रहिमा के सालाना उर्स को लेकर शनिवार को जश्न मिरास उन नवी कॉन्फ्रेंस मनाया गया, जिसमें खुशूशी खिताबत के लिए जनाब सैयद मोहम्मद शहनवाज आलम शहवासी, खतीब अहले सुन्नत जनाब मुफ्ती मोहम्मद शादाब रजा, शायर ए इस्लाम जनाब मोहम्मद नईम अख्तर, शायर ए इस्लाम जनाब मोहम्मद नवाब रजा और नकीब जलसा जनाब मोहम्मद कारी हसान रजा समेत कई लोगों ने नातिया कलाम पेश किया। इस दौरान शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद मिराज पारसी भागलपुरी, शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अकमल रजा भागलपुरी ने भी नातिया कलम से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मोहम्मद नवाब रजा रामपुरी और कारी हसान रजा बरेली ने अपने नातिया कलाम से पूरी महफिल को झूमने पर मजबूर कर दिया। इधर कमेटी के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मौके पर हबीबिया मिल्लत कमेटी के सभी सदस्य के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाथनगर में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राजद की ओर से 25 फरवरी को विशाल आम सभा तैयारी को लेकर पूर्व मंत्री ने की बैठक। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर स्वामी आगमानंद जी महाराज ने दिया बयान, कहा भारत पूर्व से ही है हिंदू राष्ट्र, यह शाश्वत सत्य। महाशिवरात्रि को लेकर निकाली गई झांकी, सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। और आपदा प्रबंधन की ओर से 12 दिवसीय ट्रेनिंग की होगी शुरुआत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।